एक दोस्त ने इसका हाथ पकड़ लिया था, ठीक है, तो ये ऑकवर्ड हुई कि नहीं हुई पता नहीं, पर मैं बहुत ऑकवर्ड हो गया दोस्त कि आप आप लोग दोनों शादी कब कर रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबको? सबको? राधे राधे राधे। राधे। एक्चुअली क्या हुआ कि ये आज हो रहा है Q&A व्लॉग, क्योंकि हम लोगों को इतने सारे सवाल, इतने सारे DMs आए हैं ऑलरेडी, मतलब पहले भी आए थे। मतलब हम स्टोरीज पे पूछते रहते थे कि आपको ऐसा कौन सा सवाल है जिसका आंसर हमसे चाहिए, तो मैंने ना ऐसे बहुत सारे सवाल लिख के रखे थे, बट हम लोग कभी रिप्लाई नहीं कर पाए। तो आज वो दिन आ गया जब हम सारे क्वेश्चंस का पिटारा खोलेंगे और सारे आंसर्स देंगे। सारे तो नहीं दे पाएंगे, कुछ कुछ कुछ। सेलेक्टेड है, मतलब हमने कुछ हाँ सेलेक्ट कर लिया, ऐसे 10 क्वेश्चंस जो आप लोग ऑब्वियसली जानना चाहोगे। तो बताओ भाई क्या है वो, वैसे तू बातें करती है तो मैं तुझे देख सकता हूँ है कितनी ना? देर तक। यू थैंक कीप यू। टॉकिंग, आई कीप लुकिंग एट यू, अरे एंड चलो यार निकालो दिस इज अ क्वेश्चंस। लाइन यू कैन यूज फॉर योर गर्लफ्रेंड और वो इंस्टेंटली चुप हो जाएगी। सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं। आप चलें, लोग पहली पहली बार कहाँ कहाँ मिले, मिले, कब मिले, कैसे 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 मिले? मिले? आप लोग पहली बार कहाँ मिले, कब मिले, कैसे मिले? पहली बार कब मिले ये बताएगा। हम लोग मिले थे पहली बार एक फ्रेंड की पार्टी में। एक्चुअली हमारी कॉमन फ्रेंड की पार्टी थी, तभी हम लोग गए भी थे शायद, क्योंकि ना यस। मैं पार्टी में जाने वाला बंदा हूँ ना ये पार्टी करने वाली बंदी है। तो नहीं है। वो कहते भी है ना कि जिनकी सोच एक जैसी होती है वो तभी एक साथ बैठते मिटते हैं, ऐसा वाला है ना। लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। तो वो पार्टी में गए और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना हुआ था थैंक यू। और उस टाइम भी मैं इसको देख रहा था। मैं इसको नहीं देखती हाँ, थी, इसने भाई कभी, मेरा मेरा जब तो ध्यान, तू सीधी सादी बहुत थी ना, ये कोई मैं भावुक नहीं बहुत देती सीधी, थी। मैं हाँ नहीं इधर उधर किसी को नहीं, हाँ मैं अपना सीधा अपना आपको चुपचाप पता क्या, बैठ अगर इसके जाओ। बाजू से भी मैं निकल जाऊं और ये स्कूटी पे हो तो ये सामने ही देखती, ये लेफ्ट मैं राइट इधर कुछ नहीं नहीं देखती, इसको कुछ देखती। नहीं पता ये चलता। इवन ऐसी बहुत बार होता है, हम गाड़ी में होते हैं तो ये कुछ चीज नोटिस हाँ करता, मैं तो बोलता तूने, जसीन वो देखा हाँ तूने? मैं तो क्या, मैंने नहीं देखा। तो कहते हैं यार थोड़ा तो आजू बाजू देखा कर लोगों को, मतलब मेरे को नहीं है। ये सिर्फ मतलब टू द पॉइंट मेरी तरफ ही जैसे वो देखती है। होता है ना, हाँ जैसे हम लड़कों को कहते हैं कि साइड पे ऐसे वो लगा दो, कुछ क्या बोलते हैं उसको, मतलब इसके साइड पर ऐसे दोनों का कुछ ऐसे लगा लगा दो हुआ ताकि है। वो इधर-उधर ना देखे, तो मेरे को ऐसी कोई जरूरत नहीं है बयान को लगाने की, बहरहाल मैं सीधा ही देखती तो मैं इसको देखता रहा, इसने मुझे नोटिस ही नहीं किया। उसके हूँ। बाद फिर मैंने अपनी फ्रेंड को पूछा, भाई बंदी कौन है तो, और क्या बोलते हैं, तो मतलब मैं तो अपने अंदर अंतर मन में इसको बंदी मान ओह चुका माय था। गॉड, तो कितना मैंने, झूठ अरे सच बोलोगे। बोल रहा हूँ भाई, तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा बंदी कौन है, तो फिर उसने बताया ऐसे ऐसे करके जेसलीन। और तो मैंने कहा ये भी टिकटॉक बनाती है, क्योंकि उस टाइम भी टिकटॉक चलता था। हाँ टिकटॉक चलता था तो उस मैंने टाइम कहा कि पे, उस टाइम में मेरी थोड़ी टिकटॉक वाली वीडियोस बड़ी वायरल थी, तो मेरी नहीं थी क्योंकि मैं हाँ, वीडियोस बहुत मजे के लिए बनाती थी तो वैसे मेरे मुझे को। लगा, हाँ तो मुझे यही लगा, मैंने कहा ये मेरे लिए एक एड ऑन हो सकता है। तो मैंने कहा तू ही जाके इसको बोल दे, क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे विहान के अब साथ समझ टिकटॉक बनाने की आया। अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसको। ओह माय हाँ, गॉड, और तो उसने इसको बोला ऐसे ऐसे करके, मेरा फ्रेंड है विहान, वो टिकटॉक वीडियोस बनाता है, तो इसने अकाउंट अकाउंट देखा होगा, तो इसको लगा हाँ भाई फॉलोअर वॉलोअर थे मेरे उस टाइम ना पे। तब इसके हाँ, सिक्स 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 लाख 6 लाख से साथ सात समथिंग थे। लाख हाँ, ऐसे ही थे, और तो फिर ये अट्रैक्ट हो गई। फॉलोवर्स अट्रैक्ट हो नहीं, गई मैं ये मैं तेरे। बोल रहा हूँ, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, चल। ये वही होता है, क्या और बोलते ये ऐसे हैं, हो गया कि यार लड़की तो सुंदर है, वीडियो चलेंगी देखो मेरी अपने मुंह में का मिठू, मैंने ऐसा यार। बोला भी नहीं। तूने बोला तू मेरे को देखता रहा था। हाँ, तो वो अलग है। तो देखता रहा का मतलब ये भी तो हो सकता है, मैं इसको देखता रहा, ये कैसा पीस है। बड़ा बेकार मम्मी यार, भाई हम सुंदर लग बहुत रही गंदे थी। हो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो फिर इसकी बात पहले मुझसे ही, इसने पहले मतलब मुझसे बातचीत चालू करी, एक सेकेंड, फिर मैं घर चला गया था मेरे, फिर एक्चुअली फिर मैं मेरे घर चला गया था गुवाहाटी। फिर मैंने इसने, आपसे बातचीत शुरू करी हाँ थी, जिसने, मैसेज तो आपका आया था मुझे वो अरे इंस्टाग्राम उस पे, तेरी फ्रेंड ने आके तेरे को बताया, उसके बाद उसके बातचीत। बाद हाँ तो वो तो तेरी, हाई हेलो हुई, उसके हाँ बाद उसके बाद मैसेज। हमने, नहीं उसके बाद हमारी एक काम के लिए बात हुई थी, हमने गाना शूट किया था, गाने का कवर जो कि हमने कभी रिलीज नहीं किया जिंदगी में। तो फिर वहां से हमारी बातचीत बातचीत हो उसका गई, बहाना था वो। फिर मैं घर चला गया और हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं साल हुई थी डेढ़ साल उसके हमारी बाद। कोई बात नहीं साल हुई। डेढ़ साल नहीं, 6 महीने, नहीं यार मैं साल छह बात नहीं महीने हुई छह थी। महीने के लिए घर गया था मैं, हमारी कोई बातचीत नहीं हाँ हुई। 6 महीने उसके सही है। बाद फिर मैंने, जब मैं वापस आया तो मैंने इसको तुरंत एक मैसेज किया। कहाँ वापस आया ये तो बता दो, बॉम्बे हाँ, वापस आया, बॉम्बे वापस गुवाहाटी चला आया। गया था ये हाँ, अपने तो घर, फिर फिर गुवाहाटी बॉम्बे से, जब वापस बॉम्बे आया, वापस आया तो फिर मैंने इसको मैसेज डाला, और मैं बड़ी और सरप्राइज की यार, ये कितना टाइम हो गया ऐसा। बस लड़कियों में बड़ा पेशेंस होता है, ये मेरा वेट कर रही थी कि ये कब मुझे, तो तू क्या, और लड़कों को से भी बातचीत कर रही नहीं थी। भाई मैं किसी हाँ, से बातचीत नहीं, मैं तो अपना चिल मोड में फिर थी। इसने मुझे मेरे मैसेज का रिप्लाई अप्लाई किया, तो फिर मैंने इसको इंस्टेंटली बोला, मैंने कहा सीधी सीधी बात कर दो, मैंने कहा चलो वीडियोस वगैरह बनाते हैं साथ में, तो ये बोली हाँ चलो। फिर हमने पहली वाली वीडियो बनाई, हाँ तो फिर हमारी हम वो वीडियो दो, बहुत वायरल हो गई हाँ वायरल हो और गई फिर थी हमारी वो। दोस्ती वोस्ती चालू हो गई। फिर हम वीडियोस वगैरह बनाने के लिए मिलते थे, मतलब ऐसा समझ लो आप 9-10 घंटे
हम साथ में वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, घूम रहे फिर 11 रहे बजे आती थी मस्त। कभी किसी लोकेशन पे कभी किसी लोकेशन पे, कभी मैं इसके घर की साइड जा रहा हूँ, कभी ये मेरे घर की साइड आ रही है। और सबसे ज्यादा मैं ही जाती थी, हाँ सबसे ज्यादा ट्रैवल यही ये करती थी उस बहुत टाइम पे, क्रेजी है क्योंकि मैं उस टाइम पे वायरल था, दैट वाज द क्योंकि तुम पॉइंट, मैं एटीट्यूड में था। तो फिर लेजी उसके बाद ये आई, और फिर ऐसे कर करके फिर एक बार हम गए थे किसी शूट के लिए कहीं पे, और वहां पे बोल दो क्या मुझे नहीं याद, मैं भूल गई बोल दो ना, मतलब हम गए थे नहीं किसी शूट के लिए, तो वहां पे वहां पे मेरा कहते बहुत हैं क्लोज इसका जो एक मेरा दोस्त ने, बेस्ट फ्रेंड इसके एक है। दोस्त ने इसका हाथ पकड़ लिया था, ठीक है। तो ये ऑकवर्ड हुई कि नहीं हुई पता नहीं, पर मैं बहुत ऑकवर्ड हो गया था उस टाइम पे। तो फिर मुझे बड़ी जेलस वेलस फील हुआ। और ऐसा कहते हैं एक्चुअली, आपको रियलाइज तभी होता है कि आपको किसी बंदे से प्यार है, किसी बंदे को, क्योंकि हम 2-1.5 साल तक बहुत अच्छे बहुत अच्छे दोस्त, दोस्त थे। हाँ हाँ हम दोनों का, हम ही दोस्त थे बस, ऐसा समझ लो। अभी भी हमारा ऐसा कोई थर्ड पर्सन हाँ नहीं, ऐसे दोस्त अरे नहीं स्टोरी है। से क्यों उठा रही है। तो फिर ये बड़ा हाँ इंटरेस्टिंग मोमेंट है। तो फिर हम वो शूट करके वापस आए, और इंस्टेंट आते ही मैंने इसको एकदम हीरो एक वे वाले में कि कैसे सुंदर को टच किया, ये वो, मैं वहीं खड़ा था। तो ये कह रही हमारा ऐसा वो है क्या जो आप मेरे पे इतना हक जता रहे हो, या फिर ये है वो है। तो फिर मैंने इसको वहां उस टाइम पे प्रपोज किया था, और ऐसा कुछ वो वाला प्रपोजल नहीं था, पर बहुत आंसू दिल देख से के था। आंखों में हाँ मैं वही आंसू, कहने वाला था, मैंने ऐसा कोई मैंने इतनी ग्रैंड जल प्रपोजल नहीं कुकड़ हो दिया। चुका था ये अंदर से, इतना हाँ जल कुकड़ू हो गया था, बहुत, मजे लिए मैंने उस चीज के तब मैंने इसको प्रपोज किया, तो फिर इसने हाँ कर दी। हाँ नहीं करी उसके बाद भी, हाँ नहीं हाँ करी नहीं थी बोले, मैंने। हाँ 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 तो नहीं, मैंने अभी भी नहीं इसने कुछ बोला नहीं, बोली शर्मा गए, मैं चुप थी, शर्मा आ गई, फिर भग गई। फिर उसके भग बाद गई मैं समझ गया, मैंने कहा भाई इसकी तरफ से। तो हाँ अपने आप ही अजूम कर लिया इसने, हम ऐसे मिले, ऐसे हमारा ऐसे मिले लव कैसे एंगल मिले स्टार्ट सब हो हुआ। गया। यस सो हम लोग पहले भी बेस्ट फ्रेंड थे, फिर आज भी हैं। हाँ प्यार मोहब्बत बेस्ट फ्रेंड, ऐसे वाला स्टेटस है ना। आओ अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, बहुत लंबा हो गया पहला सवाल, क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है, हमने कभी पहले डिस्कस अभी भी भी नहीं इसमें करी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ऐसी कि हम बहुत सारी बताने लग चीजें, गए मतलब तो हमारी इतनी, पूरे मतलब दो जब तीन मैं घंटे गुवाहाटी निकल था, जाएंगे। जब आप अपने पार्टनर के साथ ही आप किसी काम में हो ना, तो फिर हमारी शुरू शुरू में इतनी लड़ाई हुई, क्योंकि हमारे पास पहले पैसे आते नहीं थे, तो इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतनी लड़ाइयाँ हुई। कभी मैं उसको बोलता था कि तेरे पास ये आ गया, मेरे पास तो काम नहीं आया, कभी ये मुझे बोलती थी, बहुत हुए ऐसे अप्स एंड बहुत। डाउन मतलब, लेकिन ये है कि हमने कभी भी हाँ टच यार ये वुड, हर रिलेशन में होता है कि आपकी लड़ाइयाँ भी होंगी, सारी चीजें होंगी, बस ये है कि आपको ये होने दिल में होना चाहिए कि यार मुझे इसी के साथ रहना है। फिर लड़ाइयाँ तो हम अपने माँ बाप से भी करते हैं, क्योंकि अपने भाई बहन हम से भी करते हैं, लेकिन दोनों उनसे अलग यहाँ तो नहीं होते। से हाँ यहाँ साथ में आए, यहाँ थे यहाँ हम। मैं यहाँ था, तू इधर थी, मैं तो नॉर्मल फिर उसके फैमिली से बाद तू, बिलोंग करती हाँ थी, मैं फिर वीडियो तो स्टोरी बनाती मैं थी। कौन सा भाई, अरे मैं कौन सा अंबानी का लौंडा आप तो हूँ, वीडियोस बनाते काश थे। होता ऐसे पैसा। अरे आप मतलब आप स्टेटस वाइज देखो तो आप वीडियोस बनाते, तो आप यहाँ थे, मैं तो तब भी यहीं थी नॉर्मल ही थी, बट हम फिर यहाँ से साथ में ग्रो हुए। हाँ फिर ग्रो हो गए। तो यस दैट्स हाउ द ये होल बोलता रहेगा, हमारी ऐसी बहुत सारी दिस बातें हैं इज ऐसी। कंप्लीटेड अब विद सेकंड क्वेश्चन क्या है दिस। आपको, जसलीन की एक सबसे अरे अच्छी यार बात और एक एक नहीं, एक नहीं, सबसे हमने नहीं, बुरी मैंने बात। मैंने ये चेंज कराया था, मैंने एक आया, हमने बोला था कि जसलीन की मेरी जसलीन को मेरी कौन सी दो बातें अच्छी लगती हैं, और कौन सी दो बातें बुरी लगती हैं, दो और बतानी मुझे है, तीन बता सकती है, तीन दो ही ठीक है। अच्छी नहीं बता सकती कि बुरी नहीं निकाल सकती, मुझे नहीं ये बता। अच्छी भी बता सवाल है सकती भाई, हूँ, बुरी सवाल भी बता कितना सकती सही हूँ, है, अच्छी और बुरी दोनों बता सकती हूँ। तीन बुरी, मैं ये तीन कह रहा हूं तो बुरी, तीन क्यों नहीं कह रही है, तीन भी बता दूंगी। बुरी हाँ नहीं बुरी वैसे है नहीं, अच्छा नहीं, लगता चल है। ठीक अब तो तीन ही बता, नहीं तीन बुरी और तीन अच्छी, अरे नहीं अच्छा या नहीं लगता अब है, बुरी तीन, नहीं है, सब अच्छी अच्छी नहीं है नहीं उसकी नहीं बोल बोल आदतें। बोल, तीन पहले अच्छी तीन तीन है, अच्छी पहले आदतें बता देती बुरी हूँ। बता ताकि बाद में वो ऐसा वो हो कि हाँ भाई। बुरी हाँ एक आदत बहुत बुरी है इसकी, जो मुझे बड़ी गुस्सा भी दिलाती है। अगर मैं इसको जैसे सपोज मैंने अभी कह दिया कि विहान कुछ भी सब कुछ भी कि कर ले या चल ले, तो पहला शब्द नहीं, नो, मैं नहीं जा रहा। नेवर, ये इसकी हमेशा सबसे पहली हर बात पे इसकी ये ना बुरी होती आदत नहीं कह है, सकते इसको, बोलते हैं कि मुझे कन्विंस करने में टाइम लगता है तो इसको, बुरी आदत बस मेरे को इसकी बुरी आदत आदत नहीं नहीं है, है, मुझे इसकी बुरी बुरी आदत लगती है। आदत तुम किसी का दिल रखने के लिए कह देते हो हाँ चल ठीक है, लेकिन भाई, चाहे मैं उसको बहुत तुम दूसरे स्ट्रेट तरीके से कह फॉरवर्ड दो, हूं, मैं नहीं हाँ कहता ऐसे, इतनी बुरी आदत है।
नहीं, नहीं ये भाई हमेशा इसके मुंह पे ना पहली होती बात है। मैं आलस और आलस दूसरी ठंड बात का टाइम है। चल दूसरी ठंड बोल, क्या गर्मी चल सर्दी चल बारिश दूसरी को बोल, ना चल ही होती दूसरी है बोल, हमेशा। चल 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 दूसरी लिखे दूसरी बोल अब। दूसरी आदत इसकी जो मुझे बुरी लगती है, ये अपनी माँ का तो लाडला है ये मुझे पता है, लेकिन एटलीस्ट खुद से थोड़े काम कर लेने चाहिए एफर्ट्स। अगर ग्लास भी चाहिए तो सर जी को जगह पे ही चाहिए, उठा के नहीं। मम्मी तो मुझे इसकी आदत तो अच्छी इसमें नहीं तुझे क्या लगती, अच्छी नहीं लगती है कल को ये ऐसे ही करेगा आगे भी। तो? जसलीन पानी दे, जसलीन ये मुझे याद अच्छी नहीं, पर अपना काम खुद करना चाहिए, पेरेंट्स भी सारा टाइम तीसरी काम बोल, करते तीसरी रहते। बोल। और तीसरी तीसरी क्या बुरी, नहीं बस ये दो ही हैं बाकी नहीं पता, इतना ध्यान बता नहीं दिया। दे नहीं बुरी ये बुरी पर तो मुंह तूने सब पे ध्यान मुंह ये दिया मेरे से भी ज्यादा गंदा बनाता है यार, मैं लिटरली बताऊं मेरे को बड़ी बुरी लगती है। मेरे को समझ आता है कि चल ठीक है गुस्सा हो गया, बात नहीं कर रहा या कुछ, सॉरी भाई ये तो अलग लेवल पे गुस्सा हो जाता है। दे फोन कार्ड, लड़कियों से भी गंदा गुस्सा ये हो जाता है, तो मुझे याद भी नहीं अच्छी लगती चल भाई, जो है मुंह पे बोल अब दे तीन रहे। अच्छी बता, तीन अच्छी, अच्छी तो बहुत सारी हैं। तीन और बता दे। सपोज मैं बहुत इमेच्योर अगर बिहेव कर दूं तो ये समझता है, 2 मिनट लड़ेगा फिर ये अपने आप ही मेरे को समझा बुझा देता है, ये आदत इसकी अच्छी लगती है। और ये शुरू से मेरी मम्मा के साथ बहुत फ्रेंडली रहा है, बहुत फ्रैंक रहा है, मुझे ये पर्सनली सबसे सुनो सुनो बेस्ट सुनो, लगती एक है। सेकंड, मैं बता रहा हूँ इसके पीछे भी क्या कारण है। एक्चुअली जब हम बेस्ट फ्रेंड से, तो मैं इसके घर आता जाता था अब क्या है क्या हो गया, पानी दूं? नहीं, अब क्या होता है कि भाई बंदी की फैमिली को भी तो वो करना होता है ना, अट्रैक्ट करना होता है। तो मेरा नेचर वैसा ही, मैं बहुत फ्रेंडली शुरू से रहता हूँ, तो मैं हंसी मजाक करता रहता था। तो इसका भाई भी मुझे बहुत पसंद करता है, मतलब इसका भाई इज लाइक समझ लो दोनों मेरा फ्रेंड्स ही दूसरा हैं दोस्त है वो, या भाई कह इसके लो। बाद वो ही दोस्त है मेरा। और फिर टीना, टीना के साथ मेरी डिस्कशन जो इसके साथ नहीं होती, मेरी टीना के साथ डिस्कशन होती है, ये दो दो रिलेटिव, घंटे फोन पे बात बिग कर बॉस, सकते हैं ये किसने क्या किया, हम लोग चुगली पार्टनर्स हैं, तो ऐसा चुगली कह सकते पार्टनर, हो। ये कभी तो कभी है, करते हैं, कभी ये कभी ऐसी करते बहुत हैं। सारी हाँ बातें जो मुझे नहीं बताएगा गॉसिप, उसको बता गॉसिप, देगा, गॉसिप, हाँ गॉसिप फ्रेंड्स हैं हम लोग। टच वुड। तो इसकी मम्मी के साथ मेरा वो हंसी मजाक वाला, जैसे ये मेरा मेरी मेरी मॉम मम्मी के के साथ साथ है। फ्लर्ट करता है गाइस, ये मेरी हाँ माँ के साथ फ्लर्ट करता तो इसकी मम्मी बड़ी है सुंदर है भाई, ये मेरी मम्मा दूसरे के वे साथ में मत फ्लर्ट लेना, पर करता हेल्दी है, गाने गाता है चीज उनके है। लिए अलग हाँ अलग मेरे लिए कभी नहीं गाया, मम्मी के लिए गाने गाता है, इसकी आदत बहुत अच्छी है ये। और ये अपनी चीजों को लेके बहुत पंचुअल है, काम को लेके, हाँ बाकी चीजों को लेके तो ना 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 ना। तो ये तीन इसकी आदतें बहुत अच्छी हैं। अब बताओ मेरी, पहले अच्छी बताऊं कि पहले बुरी बताऊं? कोई भी बता दो अच्छा अच्छी आदत सोचना पड़ रहा है देखो कंधे चल यार पहले बुरी बना कितनी बदतमीज हो आप, तब तक अच्छी सोच लूंगा। बहुत तो यार इसकी वैसे दिन में 200 मेरे मुंह पे मेरी चीजें बता दे। जैसी तुझे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, अब सोचनी पड़ रही है। चलो यार पहली अच्छी आदत बताता हूँ कि मतलब बहुत केयरिंग है। तो अगर मैं इसको कह दूँ कि यार आज मुझे, अभी जैसे मैंने इसको बुला दिया मुझे पास्ता खाना, इसने फट से 2 मिनट नहीं लगाए पहले पास्ता बना के रख दिया। फिर दूसरी अच्छी आदत की मेरा केयरिंग, ध्यान बहुत रखती है, आई थिंक ये उसी में आ जाता है। और सेकेंड की ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मतलब हम लोग कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, एनीथिंग। तो जब आप अपने पार्टनर में आपको बेस्ट फ्रेंड मिल जाता है, तो आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर ये क्या है, ये मेरी बातें समझती है, 2 आधा घंटा लड़ने के बाद ये तो फिर समझती बुरी और अच्छी है दोनों हो अब गई। वो तो बुरी में भी डालूंगा ना यही एक्चुअली ये बुरी थी, मुझे अच्छी याद नहीं आ रही तो मैंने ये इसमें डाल दी। तीसरा ये एक्चुअली मेरे जोक समझती है, तो मतलब कई बार मैं बहुत नॉनवेज पहले मैं जोक्स रो भी, देती थी पहले जैसे, अब मैंने इसको एक बार बोला, मैंने कहा मैं बहुत, मैं गाली वाली बहुत देता हूँ, तो इसने मुझे बोला और भी क्या आवे, मैंने कहा भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे ही गाली देता हूँ। वीडियोस में, शरीफ उसके लगता बाद अब है। ये, अब इसको उसमें फन आता है, अब मुझे तो मजा आता है, जब तक ये हाँ वैसे बात नहीं करता मेरे को मजा ही नहीं आता। हाँ तो मतलब जब तक मैं अपना नॉर्मल वे में नहीं होता, इसको मजा नहीं आता। और उसके बाद फिर यही मेरी ट्रैवल पार्टनर है, और ये अच्छी यही आदतें कहाँ हुई, ये तो तू अपनी वो बता रहा है, क्या मेरी अच्छी आदतें कहाँ है इसमें? अच्छी आदत। मैं सबसे एक ही चीज बोलूंगा, शी हैज मेड अ मैन आउट ऑफ मी। माइक ड्रॉप मोमेंट है बेटा ये। अब बुरी आदत अब बुरी सुनाओ, बताओ बुरी आदत सबसे पहली, इसको समझाने में 2 घंटे लगते हैं, उसके बाद भी ये नहीं समझती। किसी भी लड़की फिर को जब ये अपने लगेंगे, एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपनी ठोकर खाती है, फिर उसको याद आता है अरे ये तो विहान ने मुझे 2 दिन पहले बता पहले ही दिया था कि बताया था ऐसा वहां होगा। खड्डा जसीन मत जा, पर मैं तो हाँ हाँ कूदूंगी तो ये है। उसके बाद सेकेंड ये कहीं हम घूमने चले गए या कहीं कुछ हो गया, और कुछ ये छोटी सी बात है, कभी वो हो गया, तो ये पूरा वो मजा खराब कर लेती थी पहले, अब नहीं करती वैसा, अब नॉर्मल हो गई है।
हाँ तो यही है बस, इसकी ज्यादा कोई बुरी आदतें है नहीं एज सच। हाँ थैंक यू भगवान जी, मेरी बुरी आदतें नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन, आपने हमारी अच्छी चीजें भी जान ली, हमारी बुरी चीजें भी जान ली, अब हम चलते हैं अब पहले एक बार क्लिप भी चेक कर लो तीसरे यार, पड़ाव की तरफ। क्लिप चेक करके आओ, सवाल कैसा जिसका सवाल पूछा है यार। तीसरा सवाल जिसका जवाब अब हम देने वाले हैं, वो सवाल ये है कि आप आप लोग दोनों शादी कब कर रहे हैं। ये हाँ वाला आ रहा है? ये अच्छा ये, अच्छा हाँ ये, भाई, ये सब लोग पूछते हैं आप लोग शादी कब कर रहे हो। हमने एक वीडियो भी डाली थी जिसमें लोगों ने पूछा था, क्या कहते हैं कि कि आप ऑलरेडी आप मैरिड ऑलरेडी हो, मैरिड हो या जैसे हो कि ये रेहा हो। नेस्टी का, रेस्टी और नेहा का धक्का मिला कि वो शादीशुदा है। और इसकी एक ये बुरी आदत ये भी है कि बहुत वर्ड्स फंबल करती है। अब मेरी नेहा बहुत रेस्टी को कह ज्यादा रही है रेहा नेस्टी। तो गलती से निकल गया मेरे मुंह से। हाँ, तो हम लोग शादी कब करने वाले हैं। एक्चुअली क्या, हम लोग शुरू से ऐसी ही वीडियोस बनाते आ रहे हैं जिससे लोगों को लगने लग गया कि हम ऑलरेडी मैरिड हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या फर्क पड़ता है, करे ना हाँ करे बातें की है। नहीं, फर्क क्यों नहीं पड़ता, पागल है क्या, समाज है, सोसाइटी है। नहीं वो हाँ मैं नहीं बोलूंगी, मैं फंबल हो जाऊंगी। तो शादी हम बहुत जल्द करेंगे और आप सब लोगों को सबसे पहले बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आजकल व्लॉग में पहले बताई जाती हैं, गाइस गेटिंग मैरिड। तो शॉपिंग कर जब लो। भी करने वाले होंगे आपको 4-5 महीने पहले पता चल जाएगा, हाँ क्योंकि आप लोग साथ में हमारे शॉपिंग करोगे जो भी चीज हम खरीदेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद इसके बाद हमारा अगला सवाल है, या आप दोनों में से बेस्ट कुक कौन है यार, ये सवाल पूछने वाला है, ऑब्वियस है जसलीन है बेस्ट कुक, इसका कोई ये आंसर? बहुत अच्छा खाना बनाती ये है, तो वैसे एक चाय बनाना जानता ये है, उसमें भी पंजाबी मुझे फैमिली से है 200 बार और बहुत। रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अगला थैंक सवाल यू है कि आप रेहान, लोगों थैंक की यू। फैमिली में कौन कौन है, आप लोगों की फैमिली में कौन कौन है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी आप लोगों के पढ़े थे जिसमें आप पूछ रहे हो कि जसलीन के डैड वीडियो में नहीं दिखते या फिर व्लॉग में नहीं दिखते। एक्चुअली जसलीन के डैड है नहीं, और जसलीन की फैमिली में जसलीन की मॉम, जसलीन का भाई और रौनक, और जसलीन की बहन छोटी टीना, और और जसलीन, मम्मा और चार लोगों की मैं, फैमिली है। यस, और मेरी फैमिली में तो आप लोगों को पता ही है, प्रिया मेरी बहन, पापा मम्मी, दैट्स इट। बाकी रिश्तेदार में चाचा चाची ताऊ ताई जी, दूसरे ताऊ तीसरे ताऊ वो तो तीसरी ऑब्वियस है, ताई सबके जी, रिलेटिव्स होते हैं, और बट मेरे डैड का मुझे क्लियर करना था, आज तक मैंने ऐसे सोशल मीडिया पे कभी भी नहीं बताया। हाँ तो मेरे डैड को हार्ट की कोई प्रॉब्लम बात नहीं बेटा, थी। आप अपने डैड जो प्यार है वो मेरे डैड से ले लेना, है ना। तो और ऑब्वियस वैसे है, भी अंकल कहते, बहुत प्यार करते हैं। हाँ मेरे पापा इसको ऐसे ही करते हैं, मतलब जैसे कि ये उन्हीं की बेटी है। एक सवाल आया मेरे पास, किसी ने बहुत ही तगड़ा सवाल पूछा है कि हम दोनों में से जल्दी फ्रस्ट्रेट कौन हो जाता है, विहान, तू होती है। मेरे से ज्यादा फ्रस्ट्रेट आप होते हो, आपको अगर अपनी पसंद की चीज ना सुनने को मिले, करने को मिले, तो आपका मूड झट लड़कियों से, जैसे लड़कियां बनाती है ना, जैजी क्या तू बताऊं, पहले किन फ्रस्ट्रेट होती शब्दों है, में बयान करूं मैं अपनी दुख। तू पहले फ्रस्ट्रेट होती है, आप होते हो, ये ये इतना अभी भी हो रही है, देख इतना लो जल अभी एक कुकड़ू है सेकंड ना, में हो गई, ये अभी देख लो। एक छोटी सी बात बोलूंगी ये हाँ तुरंत जल कुकड़ू हो अभी अभी जाएगा, अभी ये अभी बहुत तू चिढ़ता खुद ही हो रही है, है। चल मैं कुछ नहीं होता, ये जल कुकड़ू है, यही मैं सबसे इतना पहले हसमुख इरिटेट हूं, होता है। मैं कभी नहीं हंसमुख फ्रस्ट्रेट तो मैं भी होता। हूँ, हंसमुख तो मैं भी हूँ, मैं हाँ बड़े बड़े दुख झेल गई, ये हाँ छोटी मोटी चीजें क्या है। हाँ ये ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। कोई बात फिर नहीं अगला यार, सवाल है, छोड़ो। व्हाट इज द ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ बोथ ऑफ यू। अब हम दोनों एक दूसरे की ड्रीम डेस्टिनेशन बताएंगे। इसकी ड्रीम डेस्टिनेशन है, यार वो टिपिकल लड़कियां जो सोचती हैं वो वाली मत बताना इसकी प्लीज, ड्रीम डेस्टिनेशन है कि तुक्का मार लिया गेस कर। पेरिस। हाँ मेरे को पता था, भाई नहीं तेरी तो नहीं तेरी ड्रीम नहीं मेरी डेस्टिनेशन नहीं है, है भाई, मेरी ये कोई नहीं है, मैं तो तू वो क्या एक ही वो नहीं, लड़कियों के आईफिल टावर के सपने देखी हूँ, मैं तो पेरिस जाऊंगा, नहीं स्विट्जरलैंड वो नहीं है। देखा। अभी रिसेंटली चेंज हुई चल रील्स में वीडियोस अब देख मेरी देख ड्रीम के। डेस्टिनेशन अरे बता यार मेरे को नहीं बता दे रही। इसको शौक ही नहीं है घूमने का, ये सारा भाई। दिन तो मुझे वाकई बिस्तर पे में, पड़ा मुझे रहता वाकई है, में बिल्कुल कोई शौक इसको नहीं घूमने लिटरली का कोई शौक यार। नहीं है, इसको दिल्ली में मुझे मैंने 200 कैफेज दिखा दिए, इतनी मैं दिन भर इसको रील्स भेजती भाई हूँ कैफे में डेस्टिनेशन जो ये नहीं पास्ता मिलता है, जाता। मैं कसम से बता रहा हूँ, उससे बढ़िया पास्ता ही बना लेती है। और थैंक यू कैफे सो में जो मच, ब्रेड पिज्जा मिलता है उससे ज्यादा बढ़िया ब्रेड पिज्जा इसकी बहन बना लेती है। कैफे में जो मैगी मिलती है उससे ज्यादा बढ़िया मैगी मेरी बहन बना लेती है। और कैफे में क्या, कहीं आप खाना खाने चले जाओ, वहां जो सब्जियां मिलती हैं जैसे शाही उस मेरी पनीर, माँ बना लेती है। उससे तगड़ी सब्जी मेरी मम्मी बनाती है, वो इसकी ये गवाह है। और इसकी मम्मी भी बैंगन का भरता बहुत क्लासिक बनाती है, तो मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास घर में सारी चीजें मौजूद हैं। एक सवाल पूछा है कि हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर इंटरकास्ट मैरिज। भाई बहुत ही ज्यादा तुम भीतर घुस रहे हो, इंटर विंटर हो रहे ऐसा हो, कुछ भी नहीं हुआ, इंटर एंटर हो रहे हो, हमें ऐसा कुछ ज्यादा फेस जतन, करना ही नहीं पड़ा, नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ ज्यादा ज्यादा क्या हमें कुछ भी जतन करने नहीं। ही नहीं पड़े भाई, क्योंकि हमारे घर वाले बहुत प्रैक्टिकल हैं। उन वो कह रहे हैं तुम्हारी बन रही है, तुम साथ में रह सकते हो तो रहो,
चलो आज का फाइनल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जिसका जवाब मतलब इसको बहुत पसंद है, ये हमेशा मेरे से डिस्कस भी करती है। क्या? अरे मतलब शादी कैसे करेंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली है या फिर हम कैसे प्लान कर रहे हैं या क्या सोचा है हमने। तो इसको डेस्टिनेशन वेडिंग पसंद है, जैसे बीच पे और वो वैसे। नहीं, अब हाउ बदल गया, अब क्या, मुझे रजवाड़ा शादी करनी है, रॉयल एकदम। कहाँ तू पहले गोवा जाके देखो, जब डेस्टिनेशन जैसी वेड, रील्स आएंगी मेरा वैसे ही परसेप्शन चेंज हो जाएगा। अभी तूने वो आमिर खान वाली रील नहीं देखी जिसमें दूल्हा नो कमेंट यार, अरे दूल्हा उसमें कितना है, देखा मेरी देखी मम्मी तूने, ने, क्या सुबह आया, दिखाया किसमें था। आया, वो कच्चे सैंडो बनैन में, में, सैंडो सैंडो में घूम में, रहा है, वो मैं इन शॉर्ट सोच कच्चे बनैन में घूम सोचो रहा एक था वो। बनिया अपनी शादी में, माँ बाप ने वहां साले लहंगे मम्मी ने बुक किए हैं, इधर पापा ने अलग अपनी शेरवानी, शेरवानियां लौंडे, ओके मेरे बेटे हैं, की शादी, मेरे और बेटे की यहाँ शादी, आमिर उधर खान मेरी का बहन जाके कह रही है कि मैं मनीष मल्होत्रा का डुप्लीकेट लहंगा लेके आऊंगी, डुप्लीकेट उधर ये कह रही है बेहान मुझे तो यही चाहिए, सब्यसाची से लहंगा लगे सब्यसाची तो ये करोगे, उधर जाऊंगी मेरी बहन लगी सब्यसाची जाओ, चाची हमारा सब्यसाची सब्यसाची होगा, सब्यसाची से लेके आओ आपकी चाची सिल देंगी तो। क्या? और इधर मैं सैंडो में आ गया, औरंगाबाद भाई, सबके फैशन की माँ बनेगी, सबके फैशन की, पहले तो जितना महंगा लहंगा पहनेगी, इधर तो बंदा सैंडो में ही है। सैंडो में साइन कर रहा है। हाँ हमारे घर वाले बोल रहे हैं छोटू चाय ले आ हमारे घर वाले बहुत जलील हैं, तुम्हें दूल्हा नहीं मानेंगे सैंडो फैंडो में, तो हम उसको कुछ नहीं कह रहे भाई, वो उसकी मर्जी, जो मर्जी पहने। थैंक यू सो अरे रुको मच, रुको रुको रुको, मुझे इसकी एक अच्छी आदत मिल गई, तीन बतानी थी दो ही नहीं आ रही मेरे को, बहुत आसान है। इसकी हाँ बेवकूफी वाली बात मेरे को बढ़िया से, बेवकूफी वाली, क्या बेवकूफी वाली होती बेवकूफी है वाली बात सारी। करी ये देखा, बताओ, ये ये कुछ अच्छाई है कि बुराई बोली, क्या है बताओ यार, कोई झंडू ओ बात कर क्रेजी, दिया ये तूने दिन में यार। मेरे को 200 बार मैं ऐसी आसान शादी में अब सा यही पहनूंगा, क्या बोलते हैं, सैंडो और इन जीनस, शॉर्ट कच्चा बना है। अच्छा बनिया, और उसके लिए बॉडी वॉडी, मम्मी मेरे को अभी कह ही रही थी, कह भाई रही मोटा ना हो अदरक जैसा पड़ रहा जाओ है मोटा, मम्मी सुबह सुबह पराठे खुद ही हेडेक कर हो ले रहा है। बैठे, अब जैसे चार सुबह सुबह उठ इवन रहे और हैं जैसली सुबह, चार पराठे ढाप लिए, हम ढाप लिए पता नहीं क्या ढाप बोलते, ढाप लिए, ढाप अब मैं कह लिए। रहा हूँ मम्मी का बस चले तो मैंने मुंह में पराठा रख दे डायरेक्ट ही, ले बेटे ओह सुबह उठते से पहले ही ले बेटा, आलू का पराठा ले बेटे, पनीर का पराठा ले बेटे, गोभी का और फिर पराठा, आंटी का एक्सक्यूज का, फिर मम्मी सर्दी है ठंड में तो यही सब ठंड में तो आता है। खाना खाएगा ही, फिर खाना नहीं खाएगा क्या, ठंड में तो खाना ही पड़ेगा, फिर कमजोर होगा फिर। चुप हो जा, बहुत बोल चलो रहा है, गाइस थैंक यू सो बहुत मच टॉकेटिव फॉर है यार ऑल द ये। क्वेश्चंस एंड ऑल द लव एंड हेट दैट यू गाइस आर गिविंग अस, आई वी एक्सेप्ट एवरीथिंग फ्रॉम यू गाइस। तो गुड एंड बैड दोनों ही होता है यार, हर कोई जैसे परफेक्ट नहीं हमारे, जैसे होता। हमारा भी गुड एंड बैड दोनों ही है, गुड एंड बैड, सो एवरीथिंग मैश अप। कितना गंदा है यार, शरीफों एक्चुअली में शरीफ ज्यादा बदनाम होते हैं हाँ तो अब हम शरीफ नहीं रहे, हाँ और हरामी लोग दिल्ली वाले तेज होते हम हैं। शरीफ नहीं रहे, अब हम दिल्ली वाले एक हाँ, और शरीफ होते तुम्हारा हैं, क्वेश्चन, तुम कहाँ से हो भाई? अब हम दिल्ली से हैं, हाँ अब हम शरीफ सो नहीं तो अगर तुम रहे, भी दिल्ली हो तो कमेंट में ना बहुत सारा दिल्ली 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 लिख दिल्ली दिल्ली देना। दिल्ली दिल्ली से हूँ, आगे आप समझ गए दिल्ली से होंगे। हूँ। ओके गाइस, थैंक यू थैंक फॉर यू, वाचिंग, लव यू, राधे राधे। राधे राधे।